स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एंड गेट और ओर गेट के बारे में जाना था। तो स्टूडेंट्स, आज के जो लेक्चर में हम जानेंगे कि नोट गेट क्या होता है और नेट गेट, नोर गेट और एक्सओआर गेट किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा नोट गेट की। अब स्टूडेंट्स, जो नोट गेट होता है इसका सिंबल होता है अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि इस सिंबल में एक इनपुट है और एक आउटपुट है, राइट। यानी एक नोट गेट ऐसा गेट होता है जिसमें केवल एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। अब इस नोट गेट का बूलियन एक्सप्रेशन, y=a बार होता है, राइट। इस ए बार का मतलब क्या होता है? ए बार का मतलब होता है कि इसमें इनपुट का इन्वर्जन होता है, इनपुट इन्वर्ट हो जाता है। अब देखो, जीरो का इन्वर्जन होता है एक, राइट, और एक का इन्वर्जन होता है जीरो, राइट। तो इस प्रकार से जो आउटपुट आएगा वाई, वो इनपुट का इन्वर्जन होगा, राइट। अब इसकी ट्रुथ टेबल, अब इसकी जो ट्रुथ टेबल है ए और वाई, इसको समझने के लिए हम इसके इलेक्ट्रिकल एनालॉग सर्किट की सहायता लेंगे। अब फ्रेंड्स, क्या है कि इस नोट गेट को स्विच और बल्ब के द्वारा भी बनाया जा सकता है। कैसे बनाते हैं इसको अपने? हम क्या करते हैं कि एक बैटरी लेते हैं और इस बैटरी के पैरेलल में स्विच जोड़ देते हैं और इस स्विच के पैरेलल में एक बल्ब जोड़ देते हैं, राइट। अब जब आप इस स्विच एस को क्लोज करते हो, क्लोज करने का मतलब होता है आपने इनपुट एक दिया है। अब ये स्टूडेंट आपको पता है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया भी था कि जब आप स्विच क्लोज करते हो तो उसका मतलब इनपुट एक है, जब आप स्विच को ओपन कर देते हो तो इसका मतलब ये है कि इनपुट जीरो है। अब जब आप इस स्विच को क्लोज कर देते हो तो इस बैटरी से करंट स्विच के थ्रू शॉर्ट हो जाती है और इस बल्ब से कोई भी करंट प्रवाहित नहीं होने के कारण बल्ब ग्लो नहीं करता और आपको आउटपुट जीरो मिलता है। अब फ्रेंड्स, ये आपको पता है कि जो करंट होता है वो ऐसे पाथ को चूज करता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो, जिसका रेजिस्टेंस कम हो। आप देख सकते हो कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और जब आप स्विच को क्लोज कर देते हो तो इस क्लोज स्विच का या इस पाथ का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इस कारण से इस बैटरी से करंट इस स्विच के थ्रू बहती है और इस कारण से सारी की सारी करंट इस स्विच के थ्रू बहने के कारण इस परिपथ में कोई भी करंट नहीं मिलती, इस सर्किट में कोई भी करंट नहीं मिलती। इस कारण से बल्ब ग्लो नहीं करता और आपको जीरो आउटपुट मिलता है। अब जब आप इनपुट जीरो रखते हो, इसका मतलब जब आप इस स्विच को ओपन कर देते हो तो इस सर्किट से या इस पाथ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होती और इस कारण से सारी की सारी करंट इस बल्ब से फ्लो होती है और इस कारण से बल्ब ग्लो करता है और जब बल्ब ग्लो करता है तो हम उसको एक के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल तैयार हो जाती है। अब इसका रिलाइजेशन कैसे किया जाता है? इसको रिलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब इस ट्रांजिस्टर के सी यानी कि कलेक्टर को एक लोड परिपथ की सहायता से, सॉरी, एक लोड रेजिस्टेंस की सहायता से बैटरी वीसीसी से जोड़ देते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसके इमीटर को एक आर ए रेजिस्टेंस की सहायता से ग्राउंड से जोड़ देते हैं
और इसके इनपुट में हम हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज देते हैं। हाई वोल्टेज एक को रिप्रेजेंट करती है, लो वोल्टेज जीरो को रिप्रेजेंट करती है। जब आप यहाँ पर हाई वोल्टेज देते हो, राइट, जब आप यहाँ पर हाई वोल्टेज देते हो तो इस कारण से, हाई वोल्टेज देने से ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, सेचुरेशन रीजन में पहुंच जाता है, और जिस कारण से पॉइंट ए और ग्राउंड के बीच की वोल्टेज कम हो जाती है, यानी आपको लो वोल्टेज मिलती है, और लो वोल्टेज को हम जीरो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब आप यहां पर जीरो वोल्टेज रखते हो तो उस अवस्था में ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में रहता है, यानी ट्रांजिस्टर काम नहीं करता, और इसके कारण यहां पर आपको हाई वोल्टेज मिलती है और हाई वोल्टेज को हम एक के द्वारा शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप इस ट्रांजिस्टर का सर्किट में प्रयोग करके नोट गेट बना सकते हो। अब हम कुछ ऐसे गेट्स को स्टडी करेंगे जो कि एंड और नोट गेट से मिलकर बना हुआ होगा, यानी कुछ ऐसे गेट होंगे जो कि एंड गेट और गेट और नोट गेट की सहायता से मिलकर बना हुआ होगा। स्टूडेंट्स, तीन है गेट जो हमने स्टडी किया है, एंड गेट, और गेट और नोट गेट, ये फंडामेंटल गेट्स होते हैं और इन्हीं की सहायता से अदर गेट भी बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नेट गेट के। नेट गेट फ्रेंड्स, जो नेट गेट होता है वो एंड गेट और नोट गेट से बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक एंड गेट होता है और इस एंड गेट या कि नोट गेट लगा रहता है, और जिस कारण से इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये हमारा हो गया नेट गेट। अब इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, अब फ्रेंड्स एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कहीं पर नॉट गेट लगता है तो नॉट गेट जो इनपुट आ रहे हैं उनके ऊपर बार लगा देता है। क्या करता है, उनके उन इनपुट को बार लगा देता है, यानी उन इनपुट्स को इन्वर्ट कर देता है। देखो कैसे, ये जो एंड गेट है ये आपको आउटपुट कितना देगा, एबी, राइट। अब ये जो नॉट गेट है इस एबी को इन्वर्ट कर देगा, इस कारण से इसका बूलियन एक्सप्रेशन इस प्रकार से हो जाएगा, राइट। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इसका बूलियन एक्सप्रेशन होगा ए डॉट बी बार। अब इसकी ट्रुथ टेबल क्या है, ट्रुथ टेबल देखो, ए इनपुट, बी इनपुट और यहां पर कहेंगे ए बी और फिर आउटपुट वाई, और कितना आउटपुट वाई, y का वैल्यू कितनी है, y इक्वल्स टू a डॉट b बार। अब क्या है, देखो आपको एंड गेट के बारे में पता है, जब आप जीरो जीरो करते हो तो जीरो मिलता है, जब आप जीरो वन करते हो तो आपको जीरो मिलता है, जब आप वन जीरो करते हो तो आपको जीरो मिलता है, जब आप वन वन करते हो तो आपको वन मिलता है, ये आपको पता है। अब इसका आप इन्वर्ट कर दो, जीरो का इन्वर्ट कितना होगा एक, जीरो का इन्वर्ट कितना होगा एक, एक और जीरो, राइट। मैंने आपको बताया था इन्वर्जन, एक का इन्वर्जन कितना होता है जीरो, और जीरो का इन्वर्जन कितना होता है एक। इस प्रकार से आपको इस नेट गेट का आउटपुट इस प्रकार से मिलेगा वन 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 जीरो, यानी जब आप ए बी को जीरो जीरो रखते हो तो आपको वन मिलता है, जब आप ए को जीरो बी को वन करते हो तब आपको एक मिलता है, जब आप ए को एक बी को जीरो रखते हो तो भी आपको एक मिलता है, और जब आप दोनों को वन वन कर देते हो
तो आपको जीरो मिलता है, राइट। अब इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग सर्किट किस प्रकार से होगा, देखो देखो ये हमारा नॉट गेट है, देखो मैं कैसे बनाऊंगा, बिल्कुल सिंपल चीज है, आपको नॉट गेट के बारे में पता है कि नॉट गेट का बिल्कुल जो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिकल एनालॉग सर्किट किस प्रकार से होता है, तो किस प्रकार से होता है इस, राइट। अब आपको क्या बनाना है, यहां पर आपको बनाना है नैंड गेट, तो नैंड गेट बनाने के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है कि एंड गेट में दो स्विच होते हैं और दोनों स्विच में जुड़े रहते हैं, तो आप क्या करोगे इस स्विच के स्विच में दूसरा स्विच लगा दोगे S1 S2, और ये इनपुट ए को देगा और ये इनपुट बी को देगा, राइट। अब देखो कैसे, अब मैं इस सर्किट की सहायता से आपको ये टेबल बना के दिखाऊंगा कि इस टेबल को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं इस सर्किट की सहायता से आपको ये टेबल एक्सप्लेन करूंगा। देखो जब आप ए को 1 0 करते हो और बी को 0 करते हो, इसका मतलब यह है कि जब आप दोनों स्विच को खुला रखते हो तो आपको पता है कि इस सर्किट से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, सारा का सारा करंट इस बल्ब से इस बल्ब के थ्रू फ्लो होगा और जिस कारण से बल्ब आपको ग्लो करता हुआ दिखाई देगा, इसलिए आपको यहां पर आउटपुट 1 मिलेगा, राइट। अब जब आप स्विच ए को ओपन रखते हो, बी को क्लोज कर देते हो, जब आप बी को क्लोज कर दोगे और ए को ओपन रखोगे तो भी इस सर्किट के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होगी और आपको बल्ब ठीक वैसे चमकता दिखाई देगा जैसा पहली कंडीशन में था, तो इस कारण से आपको 1 मिलेगा। अब यदि आप ए को क्लोज कर दो और बी को ओपन कर दो, यदि आप ए को क्लोज करते हो बी को ओपन करते हो तो भी ये जो करंट होगा वो इस पाथ के इस पाथ से फ्लो नहीं होगा और जिस कारण सारा सारा करंट इस बल्ब में फ्लो होगा और इस कारण से बल्ब आपको ग्लो करता हुआ दिखाई देगा, इस कारण से आपको यहां पर भी 1 मिलेगा। अब जब आप दोनों स्विच ऑन कर देते हो तो आप जब दोनों स्विच को आप 1 1 कर देते हो, इसका मतलब ये है कि जब आप इन दोनों स्विच को क्लोज कर देते हो तो इस कारण से क्या होगा कि जो करंट होगी वो इस पाथ के थ्रू फ्लो होगी और इस पाथ में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी और इस कारण से ये बल्ब आपको अब ग्लो करता हुआ दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब भी है कि यहां पर आपको 0 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपने देखा कि आप इस एनालॉग सर्किट इस तुल्य विद्युत परिपथ की सहायता से राइट इलेक्ट्रिकल एनालॉग सर्किट की सहायता से आप इस ट्रुथ टेबल का वेरिफिकेशन कर सकते हो। अब इसका रिलेशन रियलाइजेशन कैसे किया जाता है, अब देखो यहां पर क्या आ रहा है नॉट गेट, तो बनाओ नॉट गेट। नॉट गेट बनाने के लिए हम एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, एक ट्रांजिस्टर बन गया, उसके बाद में क्या है एंड गेट, और एंड गेट अपने किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से, ये एंड गेट के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, आउटपुट आपको मिलेगा यहां पर पॉइंट ए और ग्राउंड के बीच में, इसको आप सुझा के पॉइंट डी मान लो, पॉइंट डी और ग्राउंड के बीच में यहां पर आपको आउटपुट मिलेगा वाई। देखो यहां से यहां तक ये हमारा एंड गेट है और यहां से यहां तक हमारा नॉट गेट है, तो ये जो टोटल गेट होगा वो नेट गेट की तरह बिहेव करेगा। अब देखो अब अपने क्या करेंगे कि इस सर्किट की जांच करेंगे कि ये जो सर्किट है इस ट्रुथ टेबल को प्रदान कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इस ट्रुथ टेबल को दे सकता है कि नहीं दे सकता। अब क्या है जब आप दोनों इनपुट को 0 रखते हो, लो वोल्टेज पे रखते हो, आप सुनो जब आप इन दोनों पॉइंट्स पर लो वोल्टेज रखते हो
तो दोनों के दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस में होते हैं और जिस कारण से करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होता है और करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होने से इस पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बहुत कम वोल्टेज हो जाती है और कम वोल्टेज होने के कारण ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ रहता है, कट ऑफ रीजन में रहता है और जिस कारण से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको हाई वोल्टेज मिलती है, यानी एक मिलेगा हाई वोल्टेज को आप एक के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो। अब ए को आपने जीरो वोल्टेज दी और बी को हाई वोल्टेज दी। जब आप ए को जीरो वोल्टेज देते हो और बी को हाई वोल्टेज देते हो तो ये जो हमारा दूसरा डायोड है, ये वाला डायोड, ये रिवर्स बायस में होगा, इस कारण से ये डायोड काम नहीं करेगा, ये डायोड हमारा फोर्ड बायस में होगा। लेकिन चूंकि डायोड हमारा फोर्ड बायस में है इसलिए करंट का फ्लो ऐसे होगा इस डायरेक्शन में और करंट का फ्लो इस रेजिस्टेंस के थ्रू होने के कारण इस पॉइंट पर आपको बहुत कम रेजिस्टेंस, बहुत कम वोल्टेज मिलेगी और वोल्टेज कम मिलने के कारण ये ट्रांजिस्टर हमारा कट ऑफ रीजन में चला जाएगा और इस कारण से आपको यहाँ पर हाई वोल्टेज मिलेगी और हाई वोल्टेज को हम एक के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब आप इस डायोड पर हाई वोल्टेज रखते हो तो ये डायोड रिवर्स बायस में होगा और इस डायोड पर जब आप लो वोल्टेज रखते हो तो ये डायोड हमारा फोर्ड बायस में होगा और जिस कारण से करंट इस डायोड के थ्रू जाएगी और सर्किट में करंट फ्लो होने के कारण इस पॉइंट पर आपको जीरो वोल्टेज मिलेगी, कम वोल्टेज मिलेगी, जीरो वोल्टेज के आसपास कम वोल्टेज मिलेगी और ये वोल्टेज इतनी कम है कि ये इस ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन रीजन में नहीं ला सकती, तो जो ट्रांजिस्टर होगा हमारा कट ऑफ रीजन में रहेगा और इस कारण से आपको यहाँ पर हाई वोल्टेज मिलेगी। अब जब आप दोनों पॉइंट्स पर हाई वोल्टेज लगाते हो तो इसके कारण क्या होगा कि ये जो दोनों डायोड होंगे वो रिवर्स बायस में होंगे, रिवर्स बायस में होने के कारण इस सर्किट से इस डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं होगी और इस कारण से आपको यहाँ पर जो वीसीसी वोल्टेज है वो सेम की सेम वोल्टेज आपको इस पॉइंट पर मिलेगी, वीबी वोल्टेज बढ़ जाएगी, वीबी वोल्टेज बढ़ने के कारण ये जो ट्रांजिस्टर है ये हमारा सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा और सैचुरेशन रीजन में जाने के कारण इस पॉइंट पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच यानी कि डी और ग्राउंड के बीच में वोल्टेज जीरो हो जाएगी, यानी लो वोल्टेज मिलेगी और लो वोल्टेज को हम जीरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये जो हमारा सर्किट है वो इस ट्रुथ टेबल को सेटिस्फाई कर रहा है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि नोर गेट क्या है।